बच के खा कर उठ गया, पीछे से कोई भाषण मार दे जोरदार ताली लगा उसको। मैं पेट्रोल से पहले तो जेब भी देखता हूँ। तो युवराज, तुम्हारा नाम युवराज है, और फिर तुमने बच्चों को कुछ कहना चाहते हो रोड सेफ्टी पे, क्या ध्यान रखें रोड पे? ट्रैफिक रूल्स का पालन करो, तो बहुत ज्यादा नॉलेज हो। पालन क्या पालन करो? रूल एक आधा रूल बता। हेलमेट लगा के बाइक चलानी चाहिए, टू व्हीलर वाहन पर कार चलाने सीट बेल्ट लगानी चाहिए, और साइड ले रहे हो तो इंडिकेटर यूज करना चाहिए, नाइट डिपर यूज करनी चाहिए। कितना डिपर? डिपर तो उस हिसाब से सामने वाले को। क्या लगती है तुम्हें, मतलब ट्रैफिक में क्या सुधार होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? थोड़ा तेज बोलो, वीडियो भी बढ़ जाएगा। रेड लाइट का मतलब रेड लाइट ग्रीन लाइट का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। कितने प्रकार की होती है लाइटें? पांच प्रकार की होती है, पता है? अरे पांच होती, गिरा तो दी अपने दोस्त की बात काटेगा तू? मैं इसकी बात सिद्ध कर दूंगा। देखो जयपुर में अपन रहते, पांच बत्ती है ना? सही बोल रहा बच्चा, वो ऐसे ही है, येलो पीली लाल और रेड। लेकिन अब मैं गिना हूं तो पांच हो जाएगी, तुम सब कहोगे हां सर आपके पास। देखो तीन तो है ही, तीन बेटे को मानेगा नहीं तो अगरबत्ती, और फिर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर मोमबत्ती। तो
हर आदमी से मैं इंटरेक्शन इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपन को समझे सही चीजों को, ठीक है? तुम्हारा बेटा सचिन से, सचिन तुम भी एक एक चीज तो बताओ यार, तुम सोच कर रखो आगे ट्रैफिक के बारे में कोई फ्यूचर हो तो, हाँ कुछ भी पूछो उसमें अपन हंसी हंसी में सीखे, बता क्या बताऊंगा नियम बताऊं? नहीं नियम तो मैं तुझे बता दूंगा, तो तुझे बता कि क्या तुझे क्या फील होता है ट्रैफिक में जब देखते हैं अपन, तो ट्रैफिक में क्या सुधार होना चाहिए और क्या क्या होनी चाहिए चीजें होनी क्या चाहिए सर, कोई भी सवाल? जैसे परिवहन को आने जैसे हम बस से आते हैं तो बीच में रोक देते हैं सर, तो स्टैंड बाय स्टैंड ही मतलब जैसे बीच में, क्या बात कही इसने, ये ट्रैफिक जो वहाँ पे उसको मार्किंग भी की होती है उस पर नहीं रुक के आगे पीछे रुकता है, तो उसका बढ़िया से ध्यान रखना जाना चाहिए। वैसे हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन चलाने वाला भी अपने भाई बंदी है, उनको ये लगता है थोड़ा आगे पीछे रुकूंगा तो मुझे सुविधा रहेगी, आधे से लोगों को तो अवेयर ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं जो बाल वाहिनी या ट्रक ड्राइवर्स बस ड्राइवर्स इनकी अलग से हम सेमिनार देते हैं ताकि उनको नॉलेज रहे, और मोटे मोटे आजकल जुर्माने भी इतने हो गए, सीधा ही लाइसेंस इम्पाउंड होता है अगर मिलता नहीं 3 महीने, पर उस ट्रैफिक जहाँ RTO ने जारी कराया था मान लो ये हरियाणा से है तो वहाँ से इसको लिखवा के लाना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारा क्या नाम है? प्रशांत पाठक। कहाँ पे हो प्रशांत? चोमू। चोमू के बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं लोग? मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ मतलब जैसे कोई भी मान लो बुद्धिमानी का कार्य होता है तो चोमू का नाम लेते हैं, मेरे को भी कई लोगों का तो चोमू है ऐसे क्यों? मेरे ख्याल से चोमू यूज हो गया आजकल, बनते नहीं बनाते हैं ये, लेकिन चोमू गया ना, चोमू की जनता इतनी अवेयर है और इतना बढ़िया व्यवस्थित वहाँ कॉलेज है हॉस्पिटल्स हैं ज्यादातर शिक्षा का अच्छा प्रसार है, तो चोमू का नाम ही चोमू रह गया, वैसे बना दिया लोगों ने, किसी को भी बेवकूफ बना दे, मान लो मोहम्मद बिन तुगलक था जो बहुत अच्छा साइंटिफिक काम करता था लेकिन उसको बदनाम कर दे लोग, लेकिन जब हमारा ये बच्चा क्या नाम है जब ये प्रशांत अपनी शांति तोड़कर जब अच्छे काम करेगा तो बड़े हौसले दिखाएगा, तो उठ खड़ा हो दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी काहे मंद है तेरी वाणी, और बन जा तू महारानी। रोटी रानी कच्चे का राजा मिलना है तो चोमू आ जाए ना। तो बेटा बहुत अच्छा, हाँ पूछ सवाल, कोई अगर अपनी वो करे ना तो उस मजाक में खुद का उस उल्टा जवाब बढ़िया अच्छा सुंदर और काम करके दिखानी चाहिए। हाँ सर, जैसे अपन बस में ट्रेवल करते हैं ना, अपने को टिकट मिल जाए दोबारा तो टिकट को अपन उतरते समय तो आज जमा नहीं कराते अपन, तो वो पेपर का यूटिलाइज नहीं होता, तो मैं चाहता हूँ कि इस पेपर अपन जो टिकट मिलता है ना अपने को, तो जैसे कंडक्टर अपने को देता है उतरते समय वो कंडक्टर द्वारा हमसे वो टिकट ले ले, इससे तो मतलब कोई कोई जो जा रहा है बस में ना तो बिना टिकट के चढ़ सकता है ना बिना टिकट उतर सकता है, सबको टिकट लेना चाहिए। इससे अपने सड़क सुरक्षा में फायदा क्या होगा ये बताओ? हम तो वो काम करेंगे ना जो सड़क सुरक्षा बढ़े अपनी रक्षा हो, टिकट को एक्सचेंज ये तो एक वो हो गया, एक रोडवेज जो डिपार्टमेंट है उसको सलाह देने की बात है, हमने तेरे से सलाह मांगी है कि अपने रोड पे सुरक्षित कैसे रहें, तो कैसे रहें सुरक्षित कैसे रहें? सर जैसे हम बाइक वाले आना चाहते हैं सर, बाइक से जो बड़ी गाड़ी होती है जैसे कार हो गई, उससे जो बड़ी हो गई सर जैसे कोई जीप हो गई है सर, फिर उससे बड़ी बस आती है फिर ट्रक आती है, तो जैसे अपन बाइक चलाते हैं तो अपना पता नहीं होता किससे वो कैसे आता है, लेकिन जब अपन खुद ही कार में चलाएंगे तो पता चलेगा कि बाइक वाला कितने बीच में आ रहा है, अपने आगे आ रहा है, फिर अपन जब बस चलाएंगे तो खुद पता चलेगा कि ये कार वाला जो बीच में आ रहा है, तो उनके लिए प्रॉपर से रोड पे मतलब होना चाहिए साइड की, तो बाइक वाला इतनी लिमिट में ही चलाए, और इसमें वो होती है होती है सर होती है, लेकिन कोई इनका पालन नहीं करता, कहीं नहीं करता सर, इस नियम का तो कोई पालन नहीं करता, इस नियम का तो कोई पालन नहीं करता, मैं आज तक देखा नहीं किसी को। बढ़िया बात है, तुम कहाँ के क्या ये आदमी देख लो लेकिन आदमी देखे नहीं हो बढ़िया अच्छी बात है तो खुश हो गए, अरे देखो मेरे पर भी कोई मजाक करता तो मुझे अच्छा लगता है, कई लोग छोटे गोले गोले में बच्चे मोटे ओए मोटे अच्छा लगता है यार, ये मेरे मोटापे को कटाक्ष कर रहा है, तो तू आदमी है तो सिद्ध कर,
ये कार हम कैसे मान ले तू आदमी है और आप इंडियन है और रोड सेफ्टी के लिए क्या करना चाहते हो तुम? आदमी आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, चालान बढ़ा दो, तेरे पास बाइक ले ली क्या भाई? है ना, नहीं है ना, है फिर तू चालान क्यों बढ़वाना चाह रहा? आजकल बच्चों की तेज आवाज नहीं है या मैं तेज बोल रहा हूँ? तेज बोला करो, जोर से बोलो, वंदे भारत माता की जय। ऐसे कट का ना होना चाहिए बालक, है ना? चालन बढ़ा देंगे जैसे हेलमेट लगाने वाले, हाँ तो जिस चालन पे तो डर रहेगा पीछे चालन। चालन तो बहुत बड़े हुए, तो पता है अगर नाबालिग बच्चा चला कर 25,000 रुपए जुर्माना, इतने की बाइक भी नहीं हुई, है ना? हाँ पूछ पूछ बेटा, कुछ सवाल पूछ। नाबालिग 100 cc कम की गाड़ी चलाता है तो चला नहीं है ना, क्यों? स्पीड 40 तक है जो RTO के अंदर, जिसके ऊपर नंबर 50 cc से नीचे हो रहा है ना, तो तू क्या चाहता है? वो छोटा होना चाहता है। वो तो तेरी बात अच्छी, नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होनी चाहिए। उसमें लाइसेंस की आवश्यकता है कि नहीं? है कैसे नहीं है? लाइसेंस बनता है ना अंडर एज वाला, अब अंडर 16 हां तो 16 साल की उम्र में बनता है। खुश हो के बात बोला कर, खुश रहे अगर बोल दिया तो बोल दिया, बता अब क्या चाहता है? हां इसको देख के बोल, बता दे जनता को क्या संदेश देना चाहता है? जनता को क्या संदेश देना चाहता है बता बता। किस चीज के बारे में? भाई तूने बताया ना रोड सेफ्टी के बारे में, अंडर नाबालिग बच्चा अगर चलाता है 3 साल की कैद होती है, ठीक है? अगर आपने कोई भावुक हो जाओ कि मेरे जीजी का ब्याह है, सिस्टर का ब्याह है, जीजी के नाम से मैं आधार कार्ड दे देता हूँ, पैन कार्ड दे देता हूँ, है ना, तो वो बाइक वाइक या कार तुम दे दोगे अपने नाम से, उधर वो जीजी का देवर चलाएगा, दीदी तेरा देवर देवर टूटेगा और वो सड़ा अंदर जो है तो तुझे बैठा रहेगा से या कुछ भी सबसे, लेकिन वो देव मत, है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स मत देव, क्योंकि वो जिसके नाम है जीजा का लोग उसकी जिम्मेदारी पड़ेगी ना, ये आगे इंश्योरेंस का जो आएगा लेटर उसके नाम से आएगा, उसके फोन पे बोलेगा, नहीं तो तुम्हारे भी बोलेगा।